हेलो एंड वेलकम गाइस, सोलर सीरीज के 7th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सोलर रेडिएशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर सोलर इरेडियंस कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस के बारे में। GHI क्या होता है? वो आपका DNI और DHI का सम होता है। इसमें क्या होता है, DNI का हम लोग क्या लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट लेने के बाद इसके साथ क्या आ जाता है, cos थीटा का फैक्टर आ जाता है। इस cos थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, जेनिथ एंगल कहते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। अगर हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें GHI निकालना है, उसके लिए हमें उस लोकेशन का हमें क्या पता होना चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आइए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लोग GHI निकालते हैं। सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर में आपको गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जाइए सर्च बार में, वहां पे आप सर्च करिए गूगल मैप। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गूगल मैप का वेबसाइट खुल के आ रहा है। यहाँ पे गूगल मैप के सर्च बार में आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस डाल सकते हैं। मान लेते हैं कि हम अभी जो पावर प्लांट अपना लगा रहे हैं वो इंडिया के दिल्ली के इंडिया गेट पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इंडिया गेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करेंगे तो ये अपने आप आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जा रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने जो लगाना है वो थोड़ा दूरी पे है, किसी हॉस्पिटल है, कोई भी एक लोकल अच्छा वहां पे हो, तो आप यहाँ पे सेटेलाइट मैप पे जाइए और आप उसको एक रेफरेंस मान के आप अपना एरिया खोज सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे इंडिया गेट से ये हमारा जो लोकेशन है वो थोड़ा दूरी पे है, मान लेते हैं वो कहीं यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे करिए क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नीचे मीनाबाग लिखा हुआ आ जाएगा, या कोई भी एड्रेस होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे 2.86, ये इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उस पर्टिकुलर लोकेशन के URL पे देखिए, तो यहाँ पे भी @ के बाद में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ आ जाएगा। आप चाहे यहां से कॉपी कर लीजिए, चाहे आप यहां से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहां से मान लेता हूं, यहां से कॉपी कर रहा हूं। अब मान लेते हैं कुछ लोगों के पास हो सकता है दिक्कत हो, तो मैं एक बार गूगल अर्थ पे भी समझा देता हूं। आप एक काम करिए, गूगल अर्थ खोल लीजिए। ये आपका अर्थ आ रहा है, इसके ऊपर टॉप साइड में अगर आप देखें यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने जो अभी लोकेशन था वो आप डायरेक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी अपने एरिया का डाल सकते हैं इंडिया गेट। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिए। ये गूगल मैप आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाएगा। आप इस पे जूम करके स्क्रॉलिंग करके और अच्छा देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए एक अच्छा व्यू आ जाएगा 3D में, ठीक है। पर हमारे ये लोकेशन था नहीं, हमारा लोकेशन यहाँ से थोड़ा दूरी पे था, तो उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये अपने आप ड्रैग करके हमको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पिंड एरिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है, जो 28 पॉइंट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रेडियंस कैसे निकालें। हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो मिल गया, अब हम काम करते हैं अपना PVSYST खोल लेते हैं। मेरे पास PVSYST का 6.8.1 वर्जन है, आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर PVSYST के
डाटाबेस सेक्शन में जाते हैं। जैसे आप डाटाबेस पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मेट्रियो डाटाबेस। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ज्योग्राफिकल साइट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो ऊपर साइड में लिखा हुआ है सर्च, और इधर साइड में अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है बहुत सारे कंट्रीज के नाम है। तो हम यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप इंडिया में देखें तो बहुत सारे यहाँ पे सिटीज के नाम लिखे हुए यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप उस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ का डायरेक्ट डाटा वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उस लोकेशन के नहीं हैं तो आप क्या काम करिए, न्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक अलग इंटरफेस आपका खुल के आ जाएगा। अगर आप इसके टॉप साइड में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, उसके बगल में आ रहा है मंथली मेट्रियो, उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेक्टिव मैप। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेलिटी में जाके जो हमारा लैटिट्यूड और लैंग्वेट्यूड था उस पर्टिकुलर लोकेशन का, हम इसमें क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम कर देंगे सर्च पर क्लिक। ये अपने आप ड्रॉप करके आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन में लेके जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहां से आप कर सकते हैं डाटा को इम्पोर्ट। अब आप देखेंगे आप वापस से आ चुके हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पे। अगर मान लेते हैं अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी आप इसमें यहाँ पे मैन्युअली आप यहाँ पे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड फिल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपना डाटा निकाल सकते हैं। इस साइड में आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रियो डाटा इम्पोर्ट। यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर लोकेशन का डाटा निकाल सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेट्रियो नॉम 7.2, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इम्पोर्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल ग्लोबल इरेडियंस। यहाँ पे इसकी यूनिट देखिए किलो वाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, ठीक है। ये हर मंथ की जून जुलाई मार्च 12 महीने की आपकी क्या आ गई, जीएचआई की वैल्यू आ गई। हर मंथ में आपको कितना ग्लोबल इरेडियंस मिलेगा वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं डिफ्यूज कितना आ रहा है और एवरेज टेम्परेचर उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना रहता है। यहाँ से आप मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर भी देख सकते हैं। अब उसके आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स्ट्रा डाटा में लिखा हुआ है डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। आप यहाँ पे क्लिक करके हटा भी सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो, अगर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके आप इसके रख लीजिए। उसके बाद अगर हम नीचे साइड में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इरेडिएशन यूनिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे यूनिट्स में डाटाज दिए हुए हैं, पर मैंने आप लोग को बताया था वॉट पर मीटर स्क्वायर ही। अगर आप वॉट पर मीटर स्क्वायर में देखें, और मैंने अगर आपको याद हो बताया था कि अर्थ के सर्फेस तक आपका 1.367 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी आती है, पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर आप देखें तो आपका जनवरी के टाइम में 158.7 एनर्जी ही आपको मिल रही है ग्राउंड पे। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा आपका डाटा लॉस हो चुका है। और बाकी सारी जो यूनिट्स हैं इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे पर नेक्स्ट वीडियो। अभी हम लोग फोकस करते हैं डाटा निकालते कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं आपका कितना ग्लोबल इरेडियंस आ रहा है। अब बात आती है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पे, फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप चाहें उस पर्टिकुलर लोकेशन का आप नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ इस लोकेशन का नाम मान लिया हम लोग डाल देते हैं रेडियो 7 और ये इंडिया का है। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए ओके पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बोलेगा सेव करने के लिए, आप यहाँ पर डाटा को सेव कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल डाटा इज नाउ सेव्ड इन द डाटाबेस। अब ये आपका जो डाटा है वो पीवीसिस्ट के डाटाबेस में सेव हो चुका है, ठीक है। अब आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर हमने क्या निकाला था, सिर्फ मेट्रियो नॉम 7.2 का। इसमें आपने देखा होगा एक और था यहाँ पे नासा एसएसई, इसका भी डाटा हम निकाल के एक बार देखते हैं। इसका भी अगर आप डाटा निकाल के देखिए तो आपका पर वॉट के हिसाब से 158.3 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब हर मंथ आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, डे वाइज देख सकते हैं, मंथ वाइज देख सकते हैं। और यहाँ पे एमजी लिखा हुआ है, एमजी का यहाँ पे मतलब होता है मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं।
उसके बाद हम करते क्या हैं, इस डाटा को चाहिए तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक काम करिए, एक्सेल खोल लीजिए, उसमें हम क्या कर लेते हैं, इस डाटा को एक्सपोर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट टेबल, आप एक्सपोर्ट टेबल पे क्लिक करिए, आप यहाँ पे इसको कर लीजिए पेस्ट। अगर आप इस पर क्लिक पेस्ट करेंगे तो आपको कुछ अजीब तरीके का वैल्यूज दिख रहा होगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप करिए डाटा पे क्लिक। यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए, कुछ नहीं करना आपको, अदर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर जो डाटा है वो आपका सेमी कॉलम से सेपरेटेड है, तो यहाँ पे भी आप सेमी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप करिए नेक्स्ट, उसके बाद करिए फिनिश। तो ये आपका एक अच्छा सा डाटा के फॉर्म में आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी है और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है उस पर्टिकुलर डाटा का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद हम एक बार नासा का भी डाटा एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। आप नासा का डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप चलिए एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको प्रेस। ये रहा आपका मेटोनाम डाटा और ये रहा आपका नासा एसएचई का डाटा। आप इन दोनों के डाटा में देखिए कितने का डिफरेंस है, आप इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नासा का डाटा कहता है उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको साल भर में आपको कितना डाटा मिलेगा, 1845.6, और आपका मेट्रोनाम डाटा कहता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको जो साल भर में जीआईएस मिलेगी, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस मिलेगा, वो आपको कितना मिलेगा, 1971.8। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप डाटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या होता है, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर क्या है, मतलब सारी जो यूनिट्स थी आपने जो देखी थी प्रीवियस टेस्ट के अंदर, जैसे कि मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर था, कई सारी चीजें थी जो हो सकता है आप लोग को ना समझ में आ रही हो उस टाइम पे। तो इन सारी यूनिट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा, तो प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड डे, गुड बाय।